नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। भाई आज हम बात कर रहे हैं बच्चन परिवार को लेकर। इस परिवार ने खूब चर्चा बटोर रखी है। इस परिवार को लेकर मानो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर एक बज क्रिएट हो चला है। अब ऐसे में हाल ही में अभिषेक बच्चन का एक स्टेटमेंट सामने आया है। लगातार सोशल मीडिया पर यह देखा जा रहा था कि ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के बिगड़ते रिश्ते को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही थी। अब ऐसे में फाइनली जब हर एक शख्स ये चाह रहा था कि आखिरकार बच्चन परिवार की तरफ से क्यों कोई भी एक बयान सामने नहीं आ रहा है, तो फाइनली अब अभिषेक बच्चन ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको यहां पर दिखाएंगे कि क्या कुछ अभिषेक बच्चन ने कहा। आखिरकार काफी लंबा समय हो चला है जहां पर ऐश्वर्या और अभिषेक के बिगड़ते रिश्ते के बारे में कहा जा रहा था। ऐसे में कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में तलाक तक हो सकता है। बच्चन परिवार में ऐश्वर्या की नहीं बन रही है, जिसको लेकर अब हाल ही में अभिषेक का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कहना है अभिषेक बच्चन का, आप देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बच्चन परिवार खूब चर्चा का कारण बना हुआ है। मानो ऐश्वर्या संग इनके बिगड़ते रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन बच्चन परिवार को लेकर एक नहीं बल्कि ढेरों खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। एक के बाद एक सवाल इस परिवार से पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जलसा ऐश्वर्या ने छोड़ दिया तो साफ तौर पर देखा गया कि बच्चन परिवार की चीजें मानो बिल्कुल खराब सी हो गई। कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी दे दे कि भाई बच्चन परिवार जो है अक्सर ही सुर्खियों में बना रहता है। जया बच्चन को लेकर भी खूब चर्चा होती है कि जया के कारण उनकी बहू ऐश्वर्या और बेटे अभिषेक का रिश्ता टूट सा गया है। मानो अब हाल ही में सोशल मीडिया पर इतना बज़ क्रिएट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो है ये सारी खबरें बच्चन परिवार तक पहुंच रही होंगी। तो इसी बीच अब हाल ही में अभिषेक बच्चन ने एक बहुत ही हिपोक्रेटिक पोस्ट को डाला है। क्रिप्टिक नोट डालने के बाद हर एक शख्स जो है इस चीज़ को ऐश्वर्या संग रिश्ते के साथ जोड़ रहा है। अभिषेक बच्चन कहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स, यू हैव टू आउटवर्क थाउजेंड इन फ्रंट ऑफ नोबडी। जिसका मतलब ये है कि अगर आप हजारों लोगों के बीच अच्छा दिखना चाहते हैं तो पहले आपको आउटवर्क करना पड़ेगा ताकि हजार लोग आपको अच्छे से देखें। अब इस पोस्ट का मतलब क्या है? भाई सोशल मीडिया पर तो यही कहा जा रहा है कि इस पोस्ट को कहीं ना कहीं ऐश्वर्या संग जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन को देखा गया था बीते दौरान एक इंटरव्यू में, जहां पर उनके हाथ में वेडिंग रिंग नहीं थी, जिसके बाद मानो बस क्रिएट हो गया। वेडिंग रिंग का ना होना तमाम सवालों को उठाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद ऐश्वर्या को देखा गया, जहां पर ऐश्वर्या के हाथ में भी वेडिंग रिंग नहीं थी। बस फिर क्या था, बच्चन परिवार की अनबन मानो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और एक के बाद एक चीजें सामने आने लगी। सवाल तो खूब उठ रहे हैं इस परिवार में, आखिरकार क्या चल रहा है। मगर कहीं ना कहीं आपको ये भी जानकारी दे दे कि बीते दौरान ही अभिषेक ऐश्वर्या को एक साथ भी देखा गया था। हालांकि मीडिया ने इनको एक साथ कवर किया, मगर कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। जानकारी दे दें कि भाई ऐश्वर्या जलसा छोड़ चुकी हैं। दिवाली के खास मौके पर भी वो जलसा में मौजूद नहीं थी, जिसके चलते ऐश्वर्या पर भी तमाम चीज़ें उठ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बच्चन परिवार के किसी भी शख्स ने ऐश्वर्या को जन्मदिन के खास मौके पर विश ही नहीं किया, जिसको लेकर मानो हर एक शख्स हैरान रह गया। जया बच्चन के साथ ऐश्वर्या का रिश्ता बिल्कुल खत्म सा हो गया है। एक बेहद ही करीबी इंसान ने इंटरव्यू में बताया कि काफी लंबे समय से जया और ऐश्वर्या के रिश्तों की अनबन देखी जा रही थी। शादी के 16 साल के बाद जाकर ऐश्वर्या अभिषेक से मानो अलग सी हो गई है।
बेटी आराध्या भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ऐश्वर्या के साथ ही दिखाई देती हैं। तो इसी बीच पहली बार चल रहे तमाम सवालों और तमाम चीज़ों के बीच अभिषेक बच्चन ने एक नोट को साझा किया और ये तमाम सवालों को उठाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अमिताभ बच्चन आए दिन सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें लिखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये जोड़ा जाता है कि भाई उनके परिवार में काफ़ी अनबन चल रही है। परिवार में अनबन के चलते अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जो हैं काफ़ी परेशान हैं। अमिताभ बच्चन ने न्यू ईयर पर भी एक पोस्ट साझा किया जहां पर उन्होंने लिखा कि हर दिन सेम है तो क्यों ना इसे शांतिपूर्ण बनाया जाए, जिसे लेकर अब ट्रोलर्स खूब ट्रोलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि आखिरकार अभिषेक बच्चन भी यहाँ पर साफ तौर पर बातों का जिक्र कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है कहीं ना कहीं उन सब चीजों से ये लोग वाकिफ होते ही हैं। मगर फैंस भी चाह रहे थे कि तलाक की खबरों के बीच क्यों ये क्लियर नहीं कर देते कि हाँ तलाक होना है या नहीं होना है। मगर फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चन परिवार की तरफ से बयान सामने आ गया। क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।